दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी सर्कल 247 चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए डेली कुछ नया सीखने के लिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था, और आते ही स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ा देर तक घुमाकर लाए, तब तक आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चल गया, और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से थके हुए नहीं लग रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता का मंजिल के पास होते हुए दूर भटक जाते हैं। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।